kids, how are you? I hope you all are fine and I'm also fine. Today I am going to teach you how you can solve your subtraction problems. Okay, this our fifth chapter is subtraction, aur is chapter ke andar hum hamare subtraction jo hai with borrowing, without borrowing and unki kuch word problems, in sari cheezon ke bare mein discuss karenge. सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले हमारे पास में कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है. हमारे जो नंबर्स होते हैं सब्ट्रैक्शन की, यानी कि हमें जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है और जो आंसर आएगा, उन सारे नंबर्स को क्या क्या बोला जाता है, पहले हम उन चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. तो पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन राइट करवा रही हूँ कि क्या क्या होता है सब्ट्रैक्शन में आपके पास में, तो वो चीजें हम यहाँ पे राइट करते हैं. सबसे पहली चीज आपके पास आती है मिन्यूएंड. क्या होती है मिन्यूएंड? हम लोग जब भी कोई भी सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके अंदर हमारा मिन्यूएंड शो करते हैं, और मिन्यूएंड की डेफिनेशन होती है ए नंबर, ए लार्जर नंबर, ए लार्जर नंबर फ्रॉम विच we subtract and another number is called minuend. okay, क्या हो गई इसकी डेफिनेशन? a larger number from which we subtract and another number is called minuend. वो नंबर हमारा वो लार्जर नंबर, वो ग्रेटर नंबर जिसमें से हम किसी दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमारा मिन्यूएंड होता है. इट मीन्स जब भी हम सब्ट्रैक्शन जो सोल्व करते हैं उसके अंदर हमारा जो ग्रेटर नंबर होता है जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, उस नंबर को बोला जाता है मिन्यूएंड. ठीक है, सेकेंड चीज आपके पास में आती है सब्ट्रैक्ट. सब्ट्रैक्ट क्या होता है? अ स्मॉलर नंबर, अ स्मॉलर नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड. ठीक है, विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट. ओके, अ स्मॉलर नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट. वो स्मॉल वाला नंबर जिसमें से जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मिन्यूएंड जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है और जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो क्या बोला जाता है? हमारा सब्ट्रैक्ट बोला जाता है. ठीक है, अब बारी आती है हमारे रिजल्ट की कि हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर जो आंसर आएगा उसको क्या बोला जाता है. हम लोग सबसे पहले यही चीज देखते हैं, आंसर में राइट करेंगे हम, उसको बोला जाता है डिफरेंस. क्या बोला जाता है? डिफरेंस बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने थ्री डेफिनेशंस आपको राइट करवाई हैं. फर्स्ट डेफिनेशन मिन्यूएंड हो गई, सेकंड डेफिनेशन सब्ट्रैक्ट, और थर्ड जो डेफिनेशन मैं आपको राइट करवाने जा रही हूँ, इन तीनों डेफिनेशन को आप लोग अपने नोटबुक में राइट करते जाएंगे. डिफरेंस इज द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, the result of subtraction is called difference. ठीक है, हमारे जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होता है उसको डिफरेंस बोला जाता है. ठीक है, तो ये तो हमारे तीनों नंबर्स हो गए कि हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो भी नंबर्स हैं उनको हम क्या क्या नेम देंगे. फर्स्ट नंबर जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है वो होता है मिन्यूएंड. सेकेंड नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट. एंड थर्ड नंबर द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिफरेंस. ओके, सो हियर वी हैव थ्री नंबर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग. ओके, सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग. सो फर्स्टली आई स्टार्ट
ये जो डेफिनेशंस मैंने आपको यहाँ पे राइट करवाई थी, इनको आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके या बैक करके आप लोग देख सकते हो। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन विदाउट बोरोइंग। विदाउट बोरोइंग इट मीन्स हमें इसमें कोई भी नंबर बोरो नहीं करना है। नॉर्मल हमारे पास में जो सब्ट्रैक्शन होता है वही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बस हमें यहाँ पर क्या शो करना है, मीनियड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है सब्ट्रैक्ट ₹7,752 फ्रॉम ₹8,978। क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट 7,752 फ्रॉम 8,978। अगर हमारे पास में जो सब्ट्रैक्शन है वो पहले से ही मैनेज है, पहले से ही हमें वो एडजस्ट करके गिवन है कि हमारे प्लेसेस में इसको एडजस्ट करके दिया हुआ है, तब तो हमें उसको अरेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और वहां पे हमें मीनुएंड और सब्ट्रेंड बताने की भी कोई जरूरत नहीं है कि कौन सा मीनुएंड होगा और कौन सा सब्ट्रेंड होगा, क्योंकि हमें पहले से ही गिवन है कि हमें किसमें से किसको सब्ट्रेक्ट करना है, सारी चीजें गिवन है। तो अगर हमारे क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है, गिवन चीजें कैसे होती है, लाइक हमें 458 में से 222 को सब्ट्रेक्ट करना है, इस तरीके से अगर हमारा क्वेश्चन गिवन है तो इसमें हम क्या शो करेंगे, हमारा मीनुएंड पहले है, सब्ट्रेंड है, उसके बाद में हम आंसर राइट करना है, हमें सीधा आंसर राइट कर सकते हैं हम। लेकिन अगर हमारे पास में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तब हमें क्या करना है, इसको राइट करना है, ठीक है। राइट किया हमने, अब हम इसको सबसे पहले ये लिखेंगे कि इसमें मीनुएंड कौन सा है और सब्ट्रेंड कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था द लार्जर नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड मीनुएंड, देन अवर मीनुएंड इज 8,978। ओके, व्हाट इज अवर मीनुएंड, मीनुएंड इज इक्वल्स टू 8,978 एंड सेकेंड इज अवर सब्ट्रेंड, व्हाट इज अवर सब्ट्रेंड, 7,752 सब्ट्रेंड इक्वल्स टू 7,752। दीज आर अवर टू नंबर्स एंड नाउ वी गेट द आंसर, सो वी अरेंज दीज नंबर्स इन अवर प्लेस वैल्यू सिस्टम। सो प्लेस वैल्यू सिस्टम इज वन्स, टेन्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। वी हैव राइट हियर ओनली दीज प्लेसेस विच आर रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर हमें जितने प्लेसेस रिक्वायर्ड है, जैसे हमारी वैल्यू थाउजेंड तक है तो हम थाउजेंड तक के ही प्लेसेस राइट करेंगे, ओके। अब हम इनको अरेंज करते हैं, सबसे पहले किसको अरेंज करेंगे, मीनुएंड को, क्योंकि मीनुएंड हमारा लार्जर नंबर है 8,978। सेकेंड नंबर हमारा सब्ट्रैक्ट राइट करते हैं 7,752। हमें करना है इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं इनका। कैसे करेंगे, जब भी हम किन्हीं भी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं, वंस वाले प्लेस से स्टार्ट करते हैं, ओके। तो स्टार्ट करो, 8 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या होगा हमारा, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज इक्वल्स टू 6, क्या होता है 6। अभी आप लोग थर्ड क्लास में आ गए तो आप लोग को थोड़ा सा जल्दी फास्ट करना होना चाहिए इसको, ठीक है। अब हमें करना है 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 7, तो 7 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर इज 2। और जिस भी क्वेश्चन को हम सोल्व करते जा रहे हैं, जिस भी कॉलम को हम लोग शो कर रहे हैं, उसी कॉलम में उसका आंसर राइट करते जाएंगे, ठीक है। 9 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आता है, 2, एंड वी सब्ट्रैक्टेड 7 फ्रॉम 8, आंसर इज 1। फ्रेंड्स, व्हाट इज अवर डिफरेंस, अवर डिफरेंस इज 1,226। तो हम इस चीज इन सब में क्या क्या शो करते हैं, हमारा मीनुएंड, सब्ट्रेंड और लास्ट में जो हमारा आंसर आता है उसको डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मीनुएंड क्या होता है, सब्ट्रेंड क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जिसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है वो मीनुएंड, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है सब्ट्रेंड, और लास्ट में हमारा जो आंसर आता है उसको डिफरेंस बोला जाता है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए आपके कि आपको इस टाइप से लिखा हुआ आता है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस,
तब आप सब्ट्रैक्शन कर लोगे और जो लार्जर नंबर होगा ग्रेटर नंबर, मैंने आपको कंपैरिजन ऑफ नंबर्स भी बताया था, उसके हिसाब से भी आप इनको कंपेयर करके देख सकते हो। और सेकंड चीज, अगर आपको कंपेयर नहीं करना है, सीधे सीधे हमें पता करना है, तो कैसे करोगे? यहाँ पे फ्रॉम है ना, तो फ्रॉम के बाद में जो नंबर आता है उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो फ्रॉम के बाद में जो भी नंबर है वही नंबर हमारा मीन एंड हो जाएगा। ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके पास में। दूसरे क्वेश्चन आपके पास में आते हैं फाइंड द डिफरेंस। पहले हमें उनको क्या करना होता है, कॉलम में अरेंज, और दूसरे में हमें क्या करना होगा, उनको राइट करना होगा, यानी कि उनका आंसर राइट करना होगा। अब सेकंड चीज हमारे पास में आती है कि दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास में। ठीक है, तो दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से, दूसरे क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2433 and 3784। हमें क्या करना है, इसके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली जगह आती है हमारे पास में, क्योंकि हमें ना तो फ्रॉम गिवन है ना कुछ और गिवन है, तो हम इसमें मीन एंड कैसे फाइंड आउट करेंगे, दोनों नंबर्स को कंपेयर करके। ठीक है, कंपैरिजन मैंने आपको सिखा रखा है, कैसे करते हैं कंपैरिजन, दोनों के लेफ्ट वाले जो नंबर्स है वहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हमें पता है ये नंबर हमारा ग्रेटर नंबर होगा, तो हम लोग मीनुएंट किसको राइट कर देंगे, उस वाले नंबर को। तो यहाँ पे हमारा मीनुएंट क्या है, मीनुएंट इज इक्वल टू 3784। और अगर एक नंबर हमारा मीनुएंट है तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, सबट्रेंड। तो हम यहाँ पे इसको राइट कर देते हैं सबट्रेंड, क्या है हमारा 2433। ओके, अब हम राइट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन राइट करने के लिए अभी जैसे हमने कॉलम वाइज अरेंज किया था, वैसे ही हम इनको यहाँ पर भी कॉलम वाइज अरेंज करेंगे। मैं इधर कर रही हूँ इसका आंसर, हमें अरेंज करना है वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड। ठीक है, ये 4 प्लेसेस है हमारे पास में, इनको अरेंज करो। मीनुएंट क्या है हमारा 3784, तो पहले हम अरेंज करते हैं मीनुएंट को, इसके बाद हम अरेंज करेंगे हमारा सबट्रेंड। तो सबट्रेंड क्या है 2433, सबट्रैक्ट करना है इसको, सबट्रैक्ट करो। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस वाले प्लेस से, 3 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4 इज इक्वल टू 1। नाउ 3 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 8 इज इक्वल टू 5, 4 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 7 इज इक्वल टू 3, एंड 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, सॉरी, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा डिफरेंस। इसका आंसर हम इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, हेंस द डिफरेंस इज 1351। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, जब भी हमारा विदाउट बोरोइंग वाले क्वेश्चंस आएंगे उनमें हम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, पहले दोनों नंबर्स को कंपेयर करके देख लेंगे, अगर फ्रॉम नहीं है तो जो नंबर हमारा ग्रेटर होगा वो हमारा मीनुएंट हो जाएगा, और जो स्मॉलर होगा वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। फिर इस तरीके से हम लोग सबट्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, वंस वाले कॉलम से स्टार्ट करना है सबट्रैक्शन करना, और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम इस तरीके से राइट कर देंगे, हेंस द डिफरेंस इज 1351। आई होप all of you understand it very well without borrowing subtraction. Okay, if you have any type of queries then ask me. Okay, thank you so much, bye.